ऊंचे उद्देश्यों को सामने रख करके चलें तो दैवी शक्तियों की भरपूर सहायता मिलती है। अध्यात्म का लाभ स्वयं पाने और दूसरों को दे सकने में केवल वही साधक सफल हुए हैं जिन्होंने जप उपासना के कर्मकांडों के सिवाय अपने व्यक्तिगत जीवन को शालीन, समुन्नत, श्रेष्ठ और परिष्कृत बनाने का प्रयत्न किया है। स्वर्ग और नरक हमारे ही भीतर हैं। हम अपने ही भीतर स्वर्ग दबाए हुए हैं, अपने ही भीतर नरक दबाए हुए हैं। हमारी मनस्थिति के आधार पर ही परिस्थितियां बनती हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम गायत्री उपासना की सफलता की 3 शर्तें। पुस्तक का परिचय। हमारा 70 वर्ष का संपूर्ण जीवन सिर्फ एक काम में लगा है और वह है भारतीय धर्म और संस्कृति की आत्मा की शोध। भारतीय धर्म और संस्कृति का बीज है गायत्री मंत्र। इस छोटे से 24 अक्षरों के मंत्र में वह ज्ञान और विज्ञान भरा हुआ पड़ा है जिसके विस्तार में भारतीय तत्व ज्ञान और भारतीय नृतत्व विज्ञान दोनों को खड़ा किया गया है। ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से 4 चरण गायत्री का व्याख्यान 4 वेदों के रूप में किया। वेदों से अन्यान्य धर्म ग्रंथ बने। जो कुछ भी हमारे पास है इस सब का मूल जड़ हम चाहे तो गायत्री मंत्र के रूप में देख सकते हैं। बीज मंत्र के नाम से, गायत्री मंत्र के नाम से इसी एक मंत्र को जाना जा सकता है और गुरु मंत्र इसे कहा जा सकता है। हमने प्रयत्न किया कि सारे भारतीय धर्म और विज्ञान को समझने की अपेक्षा यह अच्छा है कि इसके बीज को समझ लिया जाए, जैसे कि विश्वामित्र ने तप करके इसके रहस्य और बीज को जानने का प्रयत्न किया। हमारा पूरा जीवन इसी एक क्रियाकलाप में लग गया। जो बचे हुए जीवन के दिन हैं, उसका भी हमारा प्रयत्न यही रहेगा कि हम इसी की शोध और इसी के अन्वेषण और परीक्षण में अपनी बची हुई जिंदगी को लगा दें। पुस्तक के कुछ प्रश्न। गायत्री उपासना से हमारी मनोकामनाएं कैसे पूरी होती हैं? उपासना से सफलता कब मिलती है? उपासना का प्राण क्या है? श्रद्धा का असली स्वरूप क्या है? गायत्री उपासना की सफलता की 3 शर्तें कौन सी हैं? ईश्वर की उपासना का अर्थ क्या है? गायत्री मंत्र की शिक्षा के कितने चरण हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक, जो लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के द्वारा दिया गया प्रवचन है, जिसमें वे बताते हैं कि गायत्री मंत्र के ज्ञान और विज्ञान में जिसकी व्याख्या स्वरूप ऋषियों ने सारे का सारा तत्व ज्ञान खड़ा किया है क्या है। पुस्तक के कुछ अंश। उपासना के साथ एक तथ्य यह जुड़ा हुआ है कि अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। दुराचारी आदमी, दुष्ट आदमी, नीच पापी और पतित आदमी भगवान का नाम लेकर यदि चाहें तो पार नहीं हो सकते। देवता सहायता तो करना चाहते हैं, लेकिन सहायता करने से पहले यह तलाश करना चाहते हैं कि हमारा उपयोग कहाँ किया जाएगा, किस काम के लिए किया जाएगा। यदि घटिया काम के लिए उसका उपयोग किया जाने वाला है तो वे कदाचित ही कभी किसी के साथ सहायता करने को तैयार होते हैं। जिन्होंने किसी अच्छे काम के लिए, ऊंचे काम के लिए भगवान की सेवा और सहायता चाही है, उनको बराबर सेवा और सहायता मिली है। पीड़ित मानवता को ऊंचा उठाने के लिए, देश, धर्म, समाज और संस्कृति को समुन्नत बनाने के लिए हम उपासना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। जो भगवान से डरता है उसको संसार में और किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। आस्तिकता का अंकुश हर आदमी को ईमानदार बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए प्रेरणा करता है, प्रकाश देता है। पुस्तक के कुछ बिंदु। गायत्री उपासना की सफलता की 3 शर्तें। आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता।